नमस्कार, मैं गौरी, देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। जानते हैं अलीगढ़ की बड़ी खबरें। अलीगढ़ में सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से अलीगढ़ के मानिक चौक शनि मंदिर पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। यहां बताया गया कि विगत कई वर्षों से शनि जयंती के उपलक्ष्य में मानिक चौक में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन बड़ी धूमधाम के साथ किया जा रहा है, जबकि इस बार शनिदेव के कार्यक्रम के साथ रजत जयंती, तो ये कार्यक्रम और भी ज्यादा धूमधाम से मनाया जाएगा। यहाँ 30 मई से 6 जून तक भागवत होगी। इससे पहले 30 मई को सुबह 10 बजे विशाल कलश यात्रा मानिक चौक से निकाली जाएगी, जिसका शुभारंभ कपिल कैटर्स परिवार और शहर विधायक मुक्ता राजा करेंगे। इसके बाद कथा भागवत का शुभारंभ किया जाएगा, जिसकी अमृत वर्षा बाल व्यास ब्रज किशोर जी महाराज के मुखारविंद से की जाएगी। इस पत्रकार वार्ता में कृष्ण गुप्ता, बालकृष्ण वाष्णे, वरुण केबल, हृदयेश पप्पू, राकेश स्क्रैप, चिराग वाष्णे, गोपाल बाबू इत्यादि लोग मुख्य रूप से मौजूद रहे। के चरणों में नमन, सही है, वंदन, जिनकी कृपा से आज बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारी रजत जयंती शनि देव जयंती के उपलक्ष्य में 30 तारीख से यहाँ पर मनाई जा रही है। 30 तारीख को एक विशाल कलश यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कम से कम 250-300 हमारी बहनें पीत वस्त्र में होंगी और बड़ा सुंदर नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलेगा। शनिदेव बाबा के नारे गूंजेंगे, उसके बाद 2 बजे से यहाँ पर शनिदेव के महाराज की महिमा गुणगान किया जाएगा भागवत कथा के रूप में। जो एक बाल व्यास हमारी अंतर्राष्ट्रीय बाल व्यास है, वृंदावन से आ रही हैं वृंदा जी और एक ब्रज किशोर जी महाराज, दोनों के मुखारविंद से यहाँ पर अमृत रस की वर्षा होगी। और मैं जनता से अपील करती हूँ, शनि देव की महिमा का गुणगान सुनने के लिए यहाँ पर जरूर आए। इस भागवत में कहते हैं ना, शनि देव सब पर कृपा बरसाते हैं, जिस पर शनि साढ़े साथी हो, कोई भी ढैया हो, लेकिन शनि देव महाराज का प्रसाद पा लिया, उनका दर्शन कर लिया, सारी विपदाएं दूर हो जाती हैं। तो मैं पुनः जनता से अपील करती हूँ, इस कार्यक्रम में आकर अपने पुण्य के भागी बने और दर्शन का लाभ प्राप्त करें। आज 30 तारीख से ये प्रेस वार्ता इसलिए लगी गई है, 30 तारीख से यह शनिदेव जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर भागवत कथा होगी, जो 30 तारीख को यहाँ से शुरुआत होगी। 30 तारीख को कलश यात्रा निकलेगी, इसमें मुक्ता राजा और कपिल कैटर्स द्वारा उसका वो किया जाएगा शुभारम्भ, और उसके बाद भागवत शुरू होगी। ये 6 तारीख तक लगातार चलेगी और 6 तारीख को यहाँ पर भंडारा होगा। श्रीमद् भागवत कथा शनि देव जयंती के उपलक्ष्य में हर वर्ष की जाती है, जन जन के सहयोग से ये कार्यक्रम किया जाता है। जो वास्तव में शनि मंदिर, जो प्राचीन शनि मंदिर है मानिक चौक में, उसमें विशाल भीड़ इकट्ठी होती है और वास्तव में जन समूह जो मिलता है, जिसे सहयोग मिलता है, उससे विशाल भंडारे का आयोजन होता है। जो 30 तारीख को कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें माताएं बहने करीब 200 कलश हैं के माध्यम से निकलेंगे और विशाल रैली, जिस तरीके से कलश यात्रा निकाली जाएगी, विशाल होगी एक रूप से और विशाल भंडारा होगा 6 तारीख को, जो जन जन के सहयोग से ही होता है। तो जय शनिदेव। कथावाचक के लिए कौन महापुरुष आ रहे हैं? वृंदा किशोरी जो 12 साल की हैं, वृंदावन से आ रही हैं, उनके मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा जाएगी। इसमें कोई मुख्य अतिथि भी आपके? जन जन के सहयोग से है, मतलब केवल सभी मुख्य जो हमारे यहाँ से कलश यात्रा का उद्घाटन करेंगी और कपिल कैटर्स परिवार द्वारा कार्यक्रम जो उद्घाटन होगा, ठीक। और यहाँ का मुख्य संयोजक जो है शनिदेव बाबा हैं, जो उनकी कृपा से कार्य। जय बाबा। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ स्मार्ट सिटी के क्वारसी क्षेत्र में भीषण गर्मी में बिजली और पानी की समस्या से जूझ रहे क्षेत्रीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बिजली पानी की समस्या को लेकर आज क्षेत्रीय लोग सड़क पर उतर आए और जल विभाग और विद्युत विभाग के विरोध में जमकर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। आरोप है कि क्षेत्रीय लोगों के समस्या के समाधान के लिए क्षेत्रीय पार्षद को बुलाया था, लेकिन पार्षद भी क्षेत्रीय लोगों से अभद्रता करते हुए नजर आए। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि 20 दिन से क्षेत्र में बिजली नहीं है और इसकी वजह से पानी की भी समस्या हो रही है, हर घर में लोग बीमार पड़ रहे हैं।
लोगों का आरोप है कि कई बार अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। फिलहाल आज लोगों ने जल विभाग और विद्युत विभाग के विरोध में प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी कर समस्या का समाधान किए जाने की मांग की। मेरा नाम इफ्तखार अहमद है। ये क्वारसी का जो है वो नई आबादी क्षेत्र लगता है, कावेरी होम्स के बिल्कुल बराबर में। किस तरह की समस्याएं बहुत गंभीर हो चुकी हैं, बद से बदतर हालात हो चुके हैं। करीब 20 से 25 दिन हो चुके हैं, लाइट नाम की चीज़ नहीं है। जेई महोदय को, एक्सीएन को और ऊपर जितने आला अधिकारी हैं बिजली विभाग के, उन सबको अवगत करा चुके हैं लेकिन किसी तरीके की कोई भी असर नहीं है किसी चीज़ पे भी। यहाँ किसी भी कैजुअल्टी अगर होती है तो उसका जिम्मेदार डीएम महोदय या प्रशासन होगा। क्या परेशानी, किस तरह की है? परेशानी ये है कि जब लाइट ही नहीं है तो बाकी सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो चुकी हैं। पानी नाम की चीज़ नहीं है, कैंपर से किराए पे यानी मोल खरीद के पानी पिया जा रहा है, ये हालत हो चुके हैं। क्षेत्रीय पार्षद आए थे आपके पास? क्षेत्रीय पार्षद आए थे, उनको बुलाया इसलिए था कि कुछ निवारण करेंगे। नगर निगम के क्षेत्र लगने लगा है तो नगर निगम वो आए, वो साहब आकर यहाँ बदतमीजी करके खूब चले गए। जो भी अभद्र शब्द हो सकते हैं उन्होंने इस्तेमाल किए हैं और किसी तरह बोले हमारे क्षेत्र में नहीं लगता, ये आपको जो करना है वो कर लो। हमारा अभी समस्या का समाधान नहीं होता, अगला कदम ये होगा कि और जो ऊपर है मुख्यमंत्री महोदय वहाँ तक जाएंगे, कमिश्नर महोदय जो हैं ज़िले के उनके पास जाएंगे, डीएम महोदय जो हैं उनके संज्ञान में ये चीज़ है लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। पार्षद कौन है, यहाँ का नाम क्या है? पार्षद जो है वार्ड 61 लगता है। पार्षद जो है यूनुस मलिक हैं और नगर निगम के कोई भी अधिकारी जो है संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। नगर निगम में भी हम शिकायत कर चुके हैं लेकिन नगर निगम पर कोई असर नहीं है किसी भी तरीके का। कहाँ रहती हैं? मैं फहमीदा खान हूँ, क्वारसी। ये बताइए किस तरह की समस्या है, किस तरह का प्रदर्शन किया गया था आप लोगों के द्वारा? यहाँ पे पानी की समस्या है और बिजली की समस्या है। यहाँ बिजली नहीं आएगी तो पानी भी नहीं आएगा। 20 दिन हो गए, वैसे तो एक महीने से चल रही है ये परेशानी लेकिन अब 20 दिन से बिल्कुल नहीं दे रहे ये लोग पानी। बच्चे बीमार हो रहे हैं, उल्टी दस्त हो रही है और किचन में जाके देखिए आप लोगों के बर्तन पड़े हुए हैं, बीमारियाँ आ रही हैं, परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। बताइए घर के अंदर पानी एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, फिर कैसा आप पालन कर रहे हैं? मोल खरीद के ला रहे हैं और आपके जो ये होते हैं जनरेटर उनसे हम दे दे के भरवा रहे हैं लेकिन कितना कर सकते हैं ये बताइए। इसका कंप्लेंट करी लेकिन JBI यहाँ पर बदतमीजी करके गए, लेडीज के सामने उन्हें गंदी गंदी गालियाँ बकी। उन्हें ये शर्म नहीं कि लेडीज हैं जेंट्स हैं कुछ नहीं, लेकिन वो जेई तक जेई जो आए उन्होंने और पार्षद ने करी थी। जेई महोदय फोन नहीं उठाते, समस्या का समाधान नहीं होता हम और ऊपर जाएंगे। क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं? मेरा नाम अनीस है, मैं राजानगर यहाँ रहता हूँ, क्वारसी क्षेत्र है। किस तरह की समस्या है? समस्या हमारी बिजली और पानी की है। हमारे यहाँ बिजली बिल्कुल नाम के लिए है ही नहीं। 10 मीटर इधर ले लो और 10 मीटर इधर ले लो, दोनों बीच में लाइट आ रही है पर बीच में लाइट नहीं है। जब लोग पब्लिक हमारे जरा से बीच में 2000 आदमी है कम से कम, बिल्कुल पानी से और बिजली से जूझ रहे हैं हम लोग। हम लोग कम से कम परेशानी तो हमें एक महीने से हो गई पर 20 दिन से हमें इतनी दिक्कत है कि हम पानी भी कहाँ से ला रहे हैं भर के। कोई साइकिलों से भर के ला रहा है, कोई अपने जिसके पास अगर थोड़ा बहुत पैसा है तो वो जनरेटर ला के भी भरवा रहा है, तो वो कब तक भरवाएंगे हम लोग? अपने क्षेत्रीय पार्षद से बातचीत की? नहीं, उनसे हमने बात की तो उन्होंने क्या कह दिया साफ साफ हमसे कि भाई ये जो आबादी है तुम्हारी की हमारे नक्शे में नहीं है। अभी आए भी थे पार्षद? वो अभी आए थे तो यहाँ बदतमीजी भी हुई है खूब, सारे काम हुए हैं पर उनका अल्फाज के आज भी उनका अल्फाज यही है कि मेरे नक्शे में नहीं है, आप किसी भी अधिकारी के पास चले जाएँ। नहीं, हम गए लोग पर हमारे में कोई सुनवाई करे जभी तो ना, कोई सुनने को राजी नहीं है। अब एक बात है कि बिजली नहीं है, गर्मी इतना टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है, अब कि हमारे बच्चे भी जो घर की लेडीज़ हैं, चलो मर्द आदमी बाहर निकल के किधर भी बैठ जाता है, घर की लेडीज़ कहाँ जाएँ? वो घर में तप रही हैं और बीमार पड़ रही हैं, बच्चे छोटे छोटे बीमार पड़ रहे हैं। अगर इन्हें कुछ होता है या कोई भी अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई बात अगर बिगड़ जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो हमारा यह है कि DM साहब इसके जिम्मेदार होंगे, DM साहब इसकी जिम्मेदारी लें अपने ऊपर। इसका कौन जिम्मेदार होगा, इसका जिम्मेदारी कौन होगा? अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के बैनर तले एक रेस्टोरेंट में आज प्रेस वार्ता का आयोजन जिलाध्यक्ष भूपेंद्र वाष्णे की अगुवाई में किया गया। जिलाध्यक्ष भूपेंद्र वाष्णे ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि देश की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है लेकिन कुछ कर्मचारी इसमें पलीता लगाकर सरकार की छवि को धूमिल करने की कुचेष्टा कर रहे हैं जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भूपेंद्र वाष्णे ने आगे कहा कि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए व्यापारी नेता स्वर्गीय ज्ञानचंद वाष्णे की
घंटा गाड़ी की तर्ज पर 10-10 बाइकर्स के उड़न दस्ते का गठन किया जाएगा। उड़न दस्ते की सभी बाइक व्यापार मंडल के लोगों और हूटर से युक्त होंगी, जो किसी भी व्यापारी के तकलीफ में होने पर शीघ्र सहायता उपलब्ध कराएंगी। व्यापारी उत्पीड़न रोकने के लिए युवा जिलाध्यक्ष ध्रुवेश चंद्रवास ने, युवा महामंत्री सचिन गुप्ता और उमेश वास ने व युवा कोषाध्यक्ष अंशुमन वास ने को बाइकर्स टीम के गठन की जिम्मेदारी दी गई है। व्यापारियों को जागरूक करने के लिए आज एक स्टीकर भी जारी किया गया। युवा टीम का विस्तार करते हुए अविरल सिंघल, दीपेश वास ने, सुनील बीएमबी, तुषार वास ने को नामित किया जाएगा। इस मौके पर मुख्य रूप से युवा जिलाध्यक्ष ध्रुवेश चंद्र वास ने, सचिन गुप्ता, उमेश वास ने, सचिन वास ने, अनुभव वास ने इत्यादि लोग मौजूद रहे। और व्यापार मंडल की शक्ति में इजाफा हो रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कि आप जानते होंगे कि देश की मोदी सरकार भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है, लेकिन सरकार के कुछ कर्मचारी आज भी जो है घुसखोरी में लिप्त हैं और व्यापारियों को तरह तरह से छापे और सर्वे के नाम पर उत्पीड़न करते हैं। तो उसी के लेकर व्यापार मंडल ने मुहिम चलाई है। हमारे विशाल जी और राजीव सिंह जी जो है शीघ्र ही आपको इस स्टीकर के बारे में ही बताएंगे, स्टीकर शॉप का लगेगा। और साथ साथ युवा व्यापार मंडल हमारे ध्रुवेश वार्स ने, सचिन, अंशुमन और उमेश, ये सब लोग मिलकर एक टीम गठित कर रहे हैं, जो टीम बाइकर्स की होगी और व्यापार मंडल की तरफ से जहाँ भी कहीं किसी व्यापारी पे कोई परेशानी होगी तो वो टीम जाएगी। और हमारी उम्मीद उनसे ये रही कि तुरंत शीघ्रता से पहुँचे वहाँ पर और उसको न्याय दिलाएँ, और जो हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनके साथ होंगे। इस तरह से हम जो है उसको कार्य प्रणाली को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। साथ साथ हम सरकार से मांग करते हैं, योगी सरकार से और मोदी सरकार से, कि जिस तरह से आप किसी भी व्यापारी के यहाँ सर्वे छापे के लिए पहुँच जाते हैं और उस पर जो है अधिकारी उत्पीड़न करते हैं, उस पर रोक लगाई जाए। साथ साथ जितने भी इस तरह के हैं कर्मचारी, उनकी जो है रैंडम स्क्रूटनी होनी चाहिए, जैसे इनकम टैक्स में व्यापारी की स्क्रूटनी होती है, वाणिज्य कर में स्क्रूटनी होती है। वो केस छांट लेती हैं और फिर उनसे कहते हैं साहब जांच कराइए, तो इस तरह की जांच उन लोगों की भी होनी चाहिए जो अनाप शनाप रिश्वत वसूली कर रहे हैं और व्यापारियों को उत्पीड़न कर रहे हैं। इसी को लेकर सब कुछ लेकर आज व्यापार मंडल ने यहाँ पे एक अभियान शुरू किया है और मुझे उम्मीद है कि इसमें मीडिया भी सहयोग करेगा और इसको हम परिणति तक पहुँचाएंगे। जी, सरकार ने जब सरकार बनी थी तो भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का सरकार की मंशा थी और आज जैसा कि आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन सरकार चाह रही है, ऐसे में अधिकारी भ्रष्टाचार के आवंटन में डूबे हुए हैं, तो आप क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं निरंकुशता है या सरकार की कमी है? देखिए, ऐसा है कि सरकार को काम भी लेना होता है अधिकारियों से। आप अपने घर के बच्चों को आप एकदम ये उनके ऊपर नहीं डाल सकते कि साहब तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। धीरे धीरे सरकार सब चीज़ें नज़र में ला रही है और कार्रवाई कर रही है। विजिलेंस डिपार्टमेंट गाजियाबाद में एक्टिव है, अभी काफ़ी लोग उसमें पकड़े गए हैं और आए भी जो भी व्यापारी भेजेंगे उन्होंने कहा है, हमारा जो व्यापारी कल्याण बोर्ड बना हुआ राष्ट्रीय, उनके अध्यक्ष ने कहा है कि आप जो भी समस्या हो हमें भेजिए, अधिकारियों की हम विजिलेंस से उनकी जाँच करेंगे। आपने अपने स्लोगन में कहा सर्वे छापे का टैक्स का विरोध करेंगे, आप लोग क्या है? देखिए, ऐसा है कि सर्वे छापे के नाम से ही व्यापारी प्रताड़ित हो जाता है, अधिकारी जाता है और वहाँ पे कार्रवाई करता है, ये रजिस्टर लाओ वो रजिस्टर। हम चाहते हैं कि ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। जब आपने GST लगा दिया, इनकम टैक्स बेसलेस हो गया, तो इन चीज़ों की क्या उपयोगिता है, केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है इससे। इसलिए इस पर हम चाहते हैं कि सरकार इस पर रोक लगाए जैसे कि पहले थी। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में प्रशासन की ऑडिट में लगातार घोटाले के मामले सामने आ रहे हैं। सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा दिए गए ऑडिट में अब जामिया उर्दू में करोड़ों का घोटाला सामने आया। यहां संस्थान की राशि को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। जांच अधिकारी ने एक और संस्था के रजिस्ट्रार को नोटिस दिया है, दूसरी ओर जांच रिपोर्ट प्रशासन के सुपुर्द कर दी है। जामिया उर्दू के अधिकारी को इस मामले में जवाब तलब किया गया है। लोन के रूप में दी गई सारी रकम जाँच में सामने आई कि जामिया उर्दू के अधिकारियों ने संस्था की रकम को यहाँ के कर्मचारियों को गलत तरीके से बांट दिया। लगातार 20 सालों तक ये फर्जीवाड़ा चलता रहा, संस्थान को वित्तीय नुकसान पहुँचाया गया। इस मामले की शिकायत हुई तो ये खुलासा हुआ। जांच में पाया गया कि संस्था की ओर से यहाँ के 11 कर्मचारियों में 10.77 करोड़ रुपए की धनराशि गलत तरीके से दी गई।
इन्होंने ये राशि एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन और अन्य कई तरीकों से बांटी है जो कि नियमों के खिलाफ है। इसके साथ ही अभी तक इस राशि की वसूली भी की गई है। ये राशि 1998 से लेकर 2017 के बीच बांटी गई। इसमें जांच में वित्तीय अनियमितताओं का जिक्र करते हुए रजिस्ट्रार से जवाब तलब किया गया है। उन्हें नोटिस का लिखित जवाब 15 दिनों के अंतर प्रशासन को देना होगा, जिसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। क्या शिकायत आपके द्वारा की गई है? सर, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान खान है, मैं रिटायर्ड हूँ यूनिवर्सिटी से। क्या शिकायत की गई थी? शिकायत मेरी की गई थी, इन्होंने ये बैठे हुए हैं करोड़ रुपये गबन कर रहे हैं बैठ कर, ये और करीब इनके 24 वो थे इनके खाते, जिसकी मैंने शिकायत की थी। साहब, ये अननेसेसरी पैसे निकाल लेंगे और ये जो हैं इनकी जांच की जाए। डीएम साहब ने जांच की तो अखबारों में मैंने पढ़ा कि इनके खिलाफ़ जो है जांच रिपोर्ट आ गई है। क्या क्या आपके द्वारा आरोप लगाए थे, क्या ऐसे मामले थे जो इनके द्वारा उसमें जो है भ्रष्टाचार किया जा रहा था? भ्रष्टाचार किया जा रहा है, एक तो किताबें 10 करोड़ की किताब खरीदी इन्होंने और उसके अंदर उन्होंने फर्जी बिलों से किताबें मंगाते हैं, हर चीज़ फर्जी काम कर रहे हैं बैठ के ये जो है। अच्छा बताइए, इस संस्था में कई बार जो है फर्जी डिग्री का भी प्रकरण आया जी, क्या बताओ जरा थोड़ा? मेरे पास हैं बहुत से सारी डिग्री हैं इनकी जो फर्जी उन्होंने बना बना के भेजी हैं। जैसे कौन कौन सी क्लास की डिग्री देते हैं? मुअल्लिम कामिल अदीब फर्द बनाते हैं फर्जी डिग्री, समूह रखवी बनाते हैं, कदीर मलिक बनाते हैं। अच्छा, और आपके और लोग हैं जामिर जो मिले हुए हैं वो लोग सब फर्जी डिग्री बनाते हैं। मेरे पास सबूत हैं इस चीज़ के। मेरे पास किस तरीके से तैयार करते हैं वो फर्जी डिग्री? ये खुद ही बनाते हैं, लोगों को देते हैं मतलब अला के फर्जी डिग्रियाँ। अच्छा, मैं ज़्यादा तो वो नहीं है मेरा अंदाज़, मैं तो 98 से गए नहीं हूँ जामिर उर्दू में। नहीं नहीं, लेकिन क्या वो जो फर्जी डिग्रियाँ कहीं क्या कोई पकड़ी गई? यहाँ पकड़ी गई है, एफ आई आर हुई है वहाँ पर लखीमपुर खीरी में एफ आई आर हुई है, उसकी जाँच भी वो थी। मुअल्लिम कामिल की डिग्री थी फर्जी, उर्दू टीचर भी रही थी, उसके खिलाफ एफ आई आर दर्ज हुई, सारा पैसा उसका जमा कराया गया गवर्नमेंट ने। कितने पैसे में बनाते हैं डिग्री? ये डिग्री साहब मुझे नहीं मालूम कितने पैसे बनाते हैं, बहरहाल बनाते हैं डिग्री। अच्छा, कोई आपके पास साक्ष्य आप जो आरोप लगा रहे हैं? हाँ, मेरे पास साक्ष्य है। अच्छा। और कर्रा साक्ष्य मेरे पास, मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज़ भारत।